मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक ये आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुस्कुराते हुए नई सुबह का स्वागत करें। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नज़र मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की करेंगे यात्रा। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर एमएसएमई तक से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वीं वार्षिक दिवस और दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, आज चिकित्सा विज्ञान सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा हुआ बहुत व्यापक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9वीं मिजोरम विधानसभा को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने के लिए विधायिका से कार्यपालिका को जागरूक करने में निर्णायक भूमिका निभाने की आवश्यकता। लोकसभा और विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी, नीतियों और शासन के विकास में परिवर्तनकारी। सुप्रसिद्ध गायक पंकज उदास का सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने पंकज उदास के निधन पर व्यक्त किया शोक। और रांची में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैच की सीरीज में बनाई 3-1 की अजेय बढ़त। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल की महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी से भारतीय टीम ने 192 रनों का लक्ष्य आसानी से किया हासिल। सुप्रभात, में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल देश के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर एमएसएमई तक ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगे। प्रधानमंत्री विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC तिरुवनंतपुरम का दौरा करेंगे और लगभग 1800 करोड़ रुपए लागत की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के लिए बेहतर तकनीकी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी। इन परियोजनाओं में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक विंड टनल परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री गगनयान की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री केरल में आज दोपहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि केरल UDF और LDF से थक गया है और इस महान राज्य के लोग बड़े पैमाने पर भारत का भाजपा का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाएंगे और तिरुपुर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल यानी 28 फरवरी को तिरुनेलवेली में भी लोगों के बीच जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि वे बड़ी संख्या में आएं और आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तमिलनाडु NDA को शानदार तरीके से समर्थन दे रहा है और लोकसभा नतीजे भी इसे प्रतिबिंबित करेंगे। शाम करीब 5:15 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मदुरई में क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव MSME एंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाले हजारों MSME उद्यमियों को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई दो प्रमुख पहलों की शुरुआत भी आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बुधवार के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री बुधवार को तमिलनाडु में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तभी बड़ी छलांग लगा सकता है जब देशवासी ऊर्जा और उत्साह से भरे हों। नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल के वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अगर आज सोचता है कि भारत आज बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है तो इसके पीछे 10 साल का एक शक्तिशाली लॉन्च पैड है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मानसिकता में बदलाव, आत्मविश्वास और सुशासन सहित कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नीतिगत पंगुता और वंशवादी राजनीति को समाप्त कर दिया है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित, कल्पना से परे है। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण दिया, एक वीक के। 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के साथ एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1,500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम है, एमएसएमई के कार्यक्रम है, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम है, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम है, किसानों से जुड़े कार्यक्रम है। भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप ला सकता है, लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए व्यापक दायरे में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि खादी ने भी देश की महिलाओं को नई शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टेक्स के तार देश के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान की प्रतिभा से जोड़ रहे हैं। भारत टेक्स का यह सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टेक्स का यह सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी,
जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। ये रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 19,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी, तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 1,500 ओवरब्रिज और अंडरपास का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी, सुरक्षा और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें वार्षिक दिवस और दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज चिकित्सा विज्ञान सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच का अंतर कम हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सिंथेटिक बायोलॉजी में हो रहे नए प्रयोग और CRISPR जीन एडिटिंग जैसी नई तकनीकें सदियों से चली आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में मददगार साबित हो रही हैं। किसी भी देश की चिकित्सा सुविधाओं का स्तर उस देश के विकास स्तर का सूचक होता है। कोई रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या आदर्श मानकों से कम है। देश की अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी हेल्थ केयर की सुविधाएं शहरी क्षेत्र में अधिक केंद्रित है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में मेडिकल एजुकेशन को व्यापक बनाने के अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए कॉलेज शुरू किए जाने जैसे कदम शामिल है। सरकार ने सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोग डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, ऐसे में डॉक्टरों को इस नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। वे वास्तव में तभी सफल डॉक्टर या नर्स होंगे जब उनमें पेशेवर क्षमता के साथ साथ करुणा, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य भी हों। राष्ट्रपति ने कहा कि एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना भी महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के लोग भगवान समझते हैं। आज अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उसी को अनुकूल आचरण करें। आप सही अर्थों में एक सफल डॉक्टर या नर्स के तभी माने जाएंगे जो आप में पेशेवर दक्षता के साथ साथ करुणा, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य विद्यमान हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परोहित सरित धर्म नहीं भाई, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। आपको इसी बात को चरितार्थ करना है। एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के लिए एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधायिका से कार्यपालिका को जागरूक करने में निर्णायक भूमिका निभाने और ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़े। नौवीं मिजोरम विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने मिजोरम राज्य को आशा और संभावनाओं से भरा बताया। उन्होंने राज्य से अवसरों का लाभ उठाने के लिए विधानमंडल के विवेक के माध्यम से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मिलकर और एकजुट होकर एक सिस्टम विकसित करें ताकि आपके राज्य के युवा आगे आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। It is a matter of pride that this assembly has for the first time 3 women members. Congratulations to them. Their presence in this house reflects increasing participation of women in governance and policy making. We are fast heading towards women-led development. The spectacular performance of our girls on the 75th Republic Day at Kartavya Path was a defining moment and a welcome change. It was their day. On September 20 and 21 last year, Lok Sabha and Rajya Sabha passed a constitutional legislation, Nari Shakti Vandana Adhiniyam, providing for 1/3 reservation for women in Lok Sabha and state legislatures. This became law and a constitutional prescription with the signing by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, the first tribal
एंड द फर्स्ट वुमन ट्राइबल टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट अ ग्लोरियस मोमेंट एंड इपोकल इवेंट, अ ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट एम्बेडिंग दिस हिस्टोरिक चेंज, दिस गेम चेंजर प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी लोकतंत्र तब तक जीवित, विकसित और सफल नहीं हो सकता जब तक कि कानून के समक्ष समानता न हो. मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब कानून के समक्ष समानता जमीनी वास्तविकता है और जो लोग स्वयं को कानून से ऊपर मानते थे वो अब इसके दायरे में है. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से पारंपरिक रास्तों को छोड़ने का आह्वान किया. My greetings to you all. My congratulations to you and your parents and friends. Convocation is a unique milestone in your life. It is a moment to be ever cherished. It is the ultimate fruit of your hard work, work of your teachers, and concern of your parents. This is a turning point in your life and career. You will be becoming alumni of this prestigious university after getting degrees. You will carry fond memories of interacting with your friends, with your teachers, and you will remember all your life that the teacher who has been toughest in the class will ever be remembered by you for how strong he made you. From the closure of this university where you were being looked after, your academic brilliance was being shaped, you will be taking a leap into the larger world. You will take a jump in India, larger world, which I need to describe for you. My young friends, boys and girls, time was very different when we on the dais or in the front row took that leap. The environment then was challenging. It was not facilitating. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पुरानी संरचनाओं को सुधारने, प्रणालीगत खामियों को ठीक करने और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले बहुपक्षीय ढांचे को तत्काल बनाने का समय आ गया है. नई दिल्ली से एक वीडियो लिंक के माध्यम से मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में अपनी टिप्पणी में डॉ. एस जयशंकर ने यह भी कहा कि मानवाधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुलवादी लोकाचार में निहित है. विदेश मंत्री ने कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसके बाहर मिलकर काम करना हमारे सामूहिक हित और जिम्मेदारी में है. I assure you of my delegation's full support and cooperation to you, the Office of the High Commissioner, and all mechanisms of the Council. India remains committed to working with Council members and observers for promotion and protection of all human rights. India's approach to human rights is rooted in our democratic principles and pluralistic ethos. Our Constitution guarantees protection of civil and political rights and provides for progressive realization of economic, social, and cultural rights. Our society and polity are anchored by our institutional strengths of an independent judiciary, robust media, and vibrant civil society. These values have continued to inform India's policies domestically and globally. And therefore, I believe we have much to contribute. Mr. President, 2024 is an important year for India's democracy, with nearly 960 million voters gearing up to exercise the right to vote. This is not merely a political exercise, but a celebration of democracy, a festival where every voice resonates and every vote counts. In a world where the principles of democracy are constantly tested,
India stands as a beacon of hope and resilience, showcasing the power of the people to shape their collective future. The multiple crises facing the world have highlighted the glaring global inequities. Naturally, then, it was with a sense of exceptional responsibility that we took up G20's presidency last year. On India's initiative, the African Union became a permanent member of the G20. The G20 New Delhi Leaders' Declaration put forth solutions on a range of domains such as digital public infrastructure, climate action, reforming international financial institutions, women-led development, education, AI, to name a few. अब बढ़ते हैं आगे। सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास का सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सुप्रसिद्ध गायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गायक पंकज उधास 73 वर्ष के थे। उनकी बेटी नायाब ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। पंकज उधास को उनकी मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुप्रसिद्ध गायक पंकज उधास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पंकज उधास का गायन अनेक भावनाओं को व्यक्त करता है और उनकी गजलें मन को छू जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे और उनके निधन से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। शोक व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संगीत की दुनिया में उनका अतुलनीय योगदान सदैव गूंजता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जाने माने गायक पंकज उधास के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक्स पर संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा कि प्रसिद्ध गजल गायक पद्मश्री पंकज उधास जी का निधन बेहद दुखद है। उनकी रूमानी आवाज ने गजल गायकी को नए आयाम प्रदान किए। पंकज जी का निधन भारतीय संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। रांची में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैच की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बनाई। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल की महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी से भारतीय टीम ने 192 रनों का लक्ष्य हासिल किया। 192 रन के टारगेट का पीछा करते हुए सोमवार को चौथे दिन टीम इंडिया ने 40 रन के स्कोर के साथ आगे खेलना शुरू किया। भारत के 5 विकेट 120 रन के स्कोर पर गिर गए थे। इसके बाद शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने 72 रन की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को जीत दिला दी। भारत ने श्रृंखला में 3-1 की विजयी बढ़त बना ली है, जबकि 5वां और आखिरी मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से, आज के दिन के इतिहास के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। 27 फरवरी साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जन्मे आजाद महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सांडर्स की हत्या करके लिया। वो चंद्रशेखर आजाद ही थे जिनके सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आज ही के दिन साल 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 अंग्रेज पुलिस वालों को गोली मारकर अपने आप को गोली मार ली। आजाद ने प्रण लिया था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे।